अगर आप 7-8 दिनों तक ये करते हैं तो शरीर से बहुत सारा विषैलापन बाहर निकल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपका शरीर कहीं ज्यादा लचीला हो गया है। कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं और उनकी सेहत खराब है। आजकल ज्यादातर लोग कम काम करते हैं और उनकी सेहत खराब है। अगर आप इस धरती पर 200 साल पहले होते, Physically, you would be doing at least 20 times more activity than what you're doing right now. तो शारीरिक रूप से कम आज से 20 गुना ज्यादा काम करते, शारीरिक काम निश्चित रूप से, है ना? आप यहां चलकर आते, आप सब कुछ अपने हाथों से करते, आप कम से कम 20 गुना ज्यादा काम करते। मुझे लगता है मैं कम कह रहा हूं, शायद 100 गुना ज्यादा। आप में से कुछ लोग 250 गुना ज्यादा। तो अगर आप उतना काम कर रहे होते तो मैं कहता, ब्रेक लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। फिलहाल तो शरीर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इस शरीर का इस्तेमाल करके ही इसे स्वस्थ रखा जा सकता है। जब आप सेहत कहते हैं तो आप शारीरिक सेहत की बात करते हैं। आपको इस शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही बेहतर होता जाता है। तो सेहत, सेहत के बारे में सबसे सरल चीज है बस शरीर का इस्तेमाल करना। अगर आप शरीर का पर्याप्त इस्तेमाल करें तो शरीर में खुद को सेहतमंद बनाने के लिए हर चीज मौजूद है। क्या इसका मतलब है, क्या यही सब कुछ है? मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा? मैं कहूंगा, अगर हम शारीरिक रूप से अपने शरीर का उतना इस्तेमाल करें जितना हमें करना चाहिए तो इस धरती की 80% बीमारियां बस गायब हो जाएंगी। 80%, बाकी की 20% में 10% उस भोजन की वजह से हैं जो लोग खा रहे हैं। अगर आप भोजन बदल दें तो बीमारियां 10% और कम हो जाएंगी। मतलब सिर्फ 10% बीमारियां बचेंगी जो कई अलग अलग कारणों से हुई हैं। एक है कर्म, दूसरा वातावरण हो सकता है, और सिस्टम में अन्य चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है। सभी बीमार लोगों में से अगर 90% सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करने और सही खाना खाने से ठीक हो जाएं, तो 10% को आसानी से संभाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल बीमारी की मात्रा इतनी बड़ी है क्योंकि हम अच्छे से नहीं खाते, या हम बहुत अच्छे से खाते हैं और शरीर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके अलावा जीवन के अन्य पहलू हैं। सरल शब्दों में कहें तो जैसे आप शरीर की कसरत करते हैं, अगर आप बस ऐसा करें एक दिन में 1000 बार, बस एक दिन में 1000 बार ऐसा करें और एक महीने के बाद देखिए कि आपका हाथ कितने अच्छे से काम करता है। और कुछ नहीं, बस यहां बैठकर दिन में 1000 बार ऐसा करें। 30 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप ऐसा अपने दिमाग के साथ करें तो ये 1 महीने में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप ऐसा अपने दिल के साथ करें तो ये अच्छे से काम करेगा। अगर आप ये अपनी जीवन ऊर्जाओं के साथ करें तो ये अच्छे से काम करेंगी। जब ये सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं तो यही सेहत है। तो आपको बस अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना है। अगर इन 3 चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित हैं तो आप सेहतमंद होंगे। अचानक से काम करने पर आप थक सकते हैं,
लेकिन अगर आप अपने जीवन में काम धीरे धीरे बढ़ाएं, शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा, अगर आप ये सभी काम करें तो सेहत आएगी। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आपका मन अच्छे से काम कर रहा है और आपकी ऊर्जा दोनों को सहारा दे रही है। ये सुनिश्चित कर रही है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, यही सेहत है। जीवन पूरे प्रभाव में चल रहा है, यही सेहत है। सेहत कोई आइडिया नहीं है, ये कोई मेडिकल आइडिया नहीं है। मेडिकल क्षेत्र के लोग और मेडिकल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत सी अस्वस्थ जीवन शैलियां बनाई हैं। दुनिया में इससे पहले कभी भी दवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी आज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बैठकर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। 100 साल पहले जितना काम 60 साल का आदमी करता था, उतना काम आज 20 साल का आदमी नहीं कर पाता। इसका मतलब है हम मानवता को कमजोर बना रहे हैं। हम एक विकृत मानवता बन जाएंगे कुछ समय के बाद। तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप आविष्कार करते हैं। सेहत आपका आइडिया नहीं है। जीवन का अच्छे से चलना ही सेहत है। जीवन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, यही सेहत है। सेहत जीवन का तरीका है। अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे तो यह सेहतमंद होगा। शहद इस धरती पर पाया जाने वाला इकलौता पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग इंसान के खून की संरचना की तरह है। अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, यह आपके मन को सतर्क रखता है और ये बहुत ऊर्जा देता है। तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है, खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए। यह उनकी बुद्धि और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा। तो शहद के सिस्टम पर अलग अलग असर होते हैं। अगर इसका यूं ही सेवन किया जाए तो इसका एक तरह का असर होता है। अगर इसे ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो इसका अलग असर होता है। अगर इसका सेवन गर्म पानी के साथ करें तो इसका अलग तरह का असर होता है। We want to consume it in warm water here because we want the system to open up. यहाँ हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम खुल जाए। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है, एनीमिया का मतलब है एक स्तर पर खून में लोहा कम हो गया है, मतलब आपकी ताकत कम हो गई है, ठीक है, आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है, आप थकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के थकावट, क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने की आपकी क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका मस्तिष्क सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर खून में ऑक्सीजन ज्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा, अचानक सब कुछ सक्रिय है, शरीर की पुनर्जीवन प्रणाली बेहतर है, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदल रही हैं, शरीर में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है, मन में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है। तो शहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा जो योगाभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।